अमरपाटन सतना रोड स्थित तक्षशिला स्कूल के संचालक आनंद द्विवेदी के द्वारा स्कूलों में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की जीवनी की प्रदर्शनी स्कूल में लगाई गई, जिनका शुभारंभ पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगी। ये गांधी जी की जो 150वीं जयंती है, इसके अवसर पर मैंने विचार किया कि मेरे बच्चों को गांधी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे घटनाक्रम की जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी भी जरूरी है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और गांधी की सार्थकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं है, ये बच्चों के समझ में आनी चाहिए। इस प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य यही है। क्या देखने आए हो यहाँ? कैसा लग रहा है तुमको? क्या देखी तुम यहाँ? कौन दिखाया? और किसी के साथ आई हो या अकेले आई हो? गांधी जी की प्रदर्शनी लगी हुई थी। हमारे स्कूल टीचर ने हम लोग की इतनी अच्छी चीज़ें बताने, इतनी अच्छी बच्चों को इतनी अच्छी चीज़ें बताने के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी की चीज़ें बताई। गांधी जी है क्या, गांधी जी ने क्या काम किया, गांधी जी ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके हमें देश की आज़ादी बताई, उन्होंने कैसे कैसे काम किया, कहाँ कहाँ गया और किस चीज़ों के लिए उन्होंने बताया और क्या क्या हमें ज़रूरत है बस इसके लिए। गांधी जी की प्रदर्शनी देखने आए और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सीखा और गांधी जी के बारे में यहाँ पे गांधी जी जितने अच्छे थे उतने हमें यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिली। हमारे टीचरों के द्वारा हमें यहाँ पे लेके आया गया है।